दोस्तों फाइनली पतंजलि ने सिम अपना लॉन्च कर दिया है और अब जियो या BSNL या अदर कंपनी की बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और पतंजलि ने जो अपना सिम लॉन्च किया है उसमें यूनिक फीचर्स के साथ इसे लॉन्च किया है, कुछ बीमा कवर और इंश्योरेंस के साथ लॉन्च किया है। तो आज हम बात करेंगे कितना इसे बेनिफिट होने वाला है और इसका प्लान क्या है और आपको ये कब मिलने वाला मार्केट में। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। और दोस्तों मैं हूँ पवन झाखड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें इस बटन पर क्लिक करके। अगर मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो वहाँ भी एक सब्सक्राइब का बटन आता है और एक घंटी का निशान आता है, जिस पर दोनों पर आपको क्लिक कर देना, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएंगे। दोस्तों आप किसी ब्राउजर पर जाइए, सिर्फ आप डालिएगा पतंजलि सिम कार्ड लॉन्च्ड, तो इतना ही सिर्फ डालेंगे तो आप देखिएगा टॉप स्टोरी जैसे आती है ना। 10 घंटे पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने अपना आर्टिकल दिया है, इंडिया टुडे ने 1 दिन पहले दिया, 10 घंटे पहले न्यूज 18 ने दिया है, बाबा रामदेव इस पतंजलि टाइज अप विद BSNL लॉन्चेज स्वदेशी सिम, बाबा रामदेव पतंजलि लॉन्च, मतलब सभी अखबार में आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अगर आप यही न्यूज़ बिल्कुल डाल देते हैं इन हिंदी तो आप सारे हिंदी चैनल आपको ये न्यूज़ दिखा देंगे। और मैं यहाँ पर अमर उजाला की वेबसाइट पर हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं बाबा रामदेव ने लॉन्च किया पतंजलि सिम कार्ड, साथ में मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा। तो ये बहुत ही स्पेशल इन्होंने टाई अप किया है, तो BSNL के साथ इसका टाई अप हुआ है। और ये आप इसको पढ़ लेते हैं, योग गुरु बाबा रामदेव आप टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचाएंगे। सोमवार को रामदेव की कंपनी ने देश का पहला स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड लॉन्च कर दिया। फिलहाल यह सिम कार्ड केवल पतंजलि आयुर्वेद कंपनी कर्मचारियों को मिलेगा, कुछ महीनों में इसे पूरे देश में आम जनता के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। BSNL के साथ किया टाई अप, पतंजलि ने BSNL के साथ टाई अप करके सिम कार्ड को लॉन्च कर दिया। हरिद्वार में आयोजित एक समारोह में बाबा रामदेव ने इसकी घोषणा की। बाबा रामदेव ने कहा कि चूंकि BSNL एक स्वदेशी नेटवर्क है और दोनों कंपनियों का उद्देश्य भारत की खुशहाली है, इसलिए उनकी कंपनी ने BSNL के साथ टाई अप किया है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी न्यूज़ बता दी और आप ज़्यादा पढ़ने के लिए आप किसी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा रामदेव पतंजलि भी पतंजलि का सिम लिए, BSNL के टाई अप है। तो ये अभी क्या हुआ, कर्मचारी जो पतंजलि के कर्मचारी हैं उनके लिए सिम लॉन्च हुआ है, वो अपना आईडी कार्ड लेकर जाएंगे और पतंजलि के सिम को मिल जाएगा। कुछ महीने या 2 महीने में अप्रॉक्स मार्केट में सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा और तब आप और हम भी पतंजलि का सिम यूज कर पाएंगे। तो क्योंकि नई कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, तो बेहतरीन आपको, क्योंकि इस समय वार चल रहा है, इस समय टेलीकॉम सेक्टर वार चल रहा, तो बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं, हम सबको मिलने वाले, तो इसका बिल्कुल भरपूरा फायदा उठाइएगा। तो पतंजलि सिम जैसे मार्केट में आता है आप इसको परचेज करके इसकी सर्विस को यूज़ करिएगा। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।